ये है हमारी कहानी के हीरो जैन और फिजा। जैन रहता है अपनी सुस्ती से बेजा, फिजा रहती है हर काम के लिए तैयार। जैन करता है सबक बार बार यार, पर भूल जाता है जब पूछे उस्ताद। और फिजा फौरन ही सब याद करती है, इसीलिए टीचर भी उस पे फखर करती है। फिजा रहती है एक्टिव, करती है जॉगिंग और एक्सरसाइज। सैन की होती है चंपी, तेल की होती है चंपी, बट नो एक्सरसाइज। सैन थक जाता है खेल के दौरान जल्दी, फिजा नहीं आने देती किसी की भी बारी जल्दी। जैन भी करता है काम अच्छे अच्छे, जो अम्मी की तरबियत का मान रखे, मगर कुछ तो है जो उसे ना काम रखे। जी हाँ, खुले दूध का इस्तेमाल जिसमें ना विटामिन है, ना प्रोटीन, ना ही कैल्शियम की सही मिकदार। खुला दूध तो बस एक ही काम करता है, खुले दूध से हो जाती है रही सही ताकत भी बेकार। और फिजा पीती है टेट्रा पैक पैकेजिंग में महफूज दूध, जिसमें है दूध की फिजायत भरपूर। जैन उठो ना बेटा, जैन चलो बेटा उठो, उठो ना जैन, चलो बेटा उठो ना। अम्मी क्या है? जैन मेरा बच्चा, मेरी जान, स्कूल के लिए देर हो जाएगी, उठो जल्दी से। अम्मी। जैन मेरा शेर बच्चा, उठो ना। अम्मी मुझे नहीं उठना। अरे आज आपका रिजल्ट भी तो है, है? अरे हाँ आज तो मेरा रिजल्ट है। अरे क्या हुआ है? अम्मी मेरा यूनिफॉर्म कहाँ है, जल्दी करें। आराम से बेटा, आराम से। अच्छा सुनो जैन, जैन क्या बात है? आज फिर दूध फट गया, ये लो पैसे, तुम वापसी में 1 किलो दूध ले आना। अच्छा अम्मी। अरे भूलना मत। मर गया। चलो बेगम जल्दी जल्दी जल्दी। हिना क्या हुआ? अरे क्या बताऊँ, अच्छा भला नाश्ता कर रहा था, दूध का गिलास पीते ही उल्टियाँ लग गई इसको, आधे घंटे में 10-12 उल्टियाँ हो गई, अब डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ। लोग ये दूध कैसे पी लेते हैं? अपना गबलू, दूध में पानी मिलाने का काम हो गया है। एकदम होके खड़ोस उस्ताद, 1 किलो दूध का 2 किलो दूध तैयार हो गया है। शाबाश हो, इसलिए तो मैं कहता हूँ मुझ नहीं तो कुछ नहीं, आटे में भूसा नहीं, दाल में कग्गर नहीं, पानी में दूध नहीं, तो समझो आमदनी कुछ नहीं। कैसी बात है, ताली में हाथ ला। यानी हम सबकी जेब में माल ही माल होगा और इन सब का काम तमाम होगा पानी मिला के। तो ये जो खुला दूध है ना, इसको मुझे गली गली मोहल्ले मोहल्ले सप्लाई करना है। ठीक है, ऐसे 10 और अड्डे बनाने हैं दूध में पानी मिलाने के लिए, कपला शपला करने के लिए, समझ रहा है गपलू? है सर जी, कपले की बात गपलू फौरन समझता है। ऐसा बसे और आपके साथ रहने के मिलावट करने की आदत इतनी पक्की हो गई है कि मैंने आधा दूध और आधा पानी पूरी ईमानदारी से मिला दिया सर जी, 50-50 का हिसाब है ना हमारा मिलावट में। खैर हो तेरी। कैसी बात है उस्ताद, ताली दे। ओए खराब नारियल की शक्ल के आदमी, तू मेरा मजाक उड़ाता है, ताली दे। चपेड़ ले अब, बता, ताली दे, मजाक उड़ाता है, लात दे। कितनी कड़क लात मारी है। ओए ये अद्धा किधर मर गया? अद्धा बौए के साथ है उस्ताद। ओ जाओ बुला के लेके आओ उन दोनों काम चोरों को। उफ,
फिर वही दूध। क्या बात है जैन, आजकल तुम्हें क्या होता जा रहा है? तुम तो अच्छे स्टूडेंट हो, फिर तुम्हारा रिजल्ट इतना बुरा क्यों आया है? देखो मैंने तुम्हें डी प्लस दिया है और तुम्हें मेहनत की बहुत ज्यादा जरूरत है। नहीं पहुंचे तो खड़ूस उस्ताद तुम दोनों को मुर्गा जरूर बना देगा। वो बहुत गुस्से में है आज। वो चल पवे, वो जल्दी से बैठ जा मोटरसाइकिल पे। इसको भी अभी आना था। चल यार लिख दो। देखो मैंने तुम्हें डी प्लस दिया है, डी प्लस दिया है, डी प्लस दिया है। मैं कहती हूँ छोड़ दो इसे। बहुत बोल रही है भाई, इसका कद देखो और बातें देखो। देखो मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूँ। अच्छा वरना क्या कर लोगी? ओए गाड़ी में डालो इन दोनों को। अरे ये क्या? वही दूध और क्या? देख क्या रहे हो, एटी लगाओ जा रही हो। कम ऑन। अब मेरी बारी। अभी हमारा फटने का टाइम है जवान। बच्चों,
भी जबरदस्त फाइटर हो, तुमने तो आज मेरी जान बचा ली, बहुत शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। मगर तुम हो कौन? मैं, मेरा नाम फिजा है और मैं एक मिल्कटियर हूँ। हैं? मिल्कटियर? अरे सुनो। हाँ बोलो। मैं भी तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ। ये कौन सी बड़ी बात है, हर बच्चा मिल्कटियर बन सकता है, बस उसके लिए सिर्फ एक काम करना होगा, उसे सुबह शाम टेट्रा पैक पैकेजिंग में महफूज दूध पीना होगा। दूध? ओह मर गए। क्या हुआ? मेरे साथ एक अजीब प्रॉब्लम है, मैं सब कुछ याद रखने की कोशिश करता हूँ मगर हर दफा भूल जाता हूँ। अब अम्मी ने दूध मंगवाया था और मैं वो खरीदना ही भूल गया। अच्छा सुनो, क्या तुम मेरे घर चलोगी? मैं तुम्हें अपनी अम्मी से मिलवाऊंगा, वो बहुत खुश होंगी तुमसे मिलके। जरूर चलो। एक मिनट, मैं ये सामने वाली दुकान से दूध खरीद लूँ फिर चलते हैं घर। अरे सुनो। हाँ बोलो। देखो तुम मिल्कटिया बनना चाहते हो ना? हाँ। ये लो बेटा। तो फिर आज से तुम खरीदोगे टेट्रा पैक पैकेजिंग में महफूज दूध, समझ गए? मगर वो क्यों? ये मैं तुम्हें घर चल के बताऊंगी। अम्मी अम्मी। क्या हुआ? अम्मी कुछ घोंडे मुझे उठा कर ले जा रहे थे। हे? या अल्लाह खैर। ये फिजा है, आज इसने ना मेरी जान बचाई। जान बचाई? सारे हिंदुओं को अकेले मार के भगा दिया। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आंटी इसमें शुक्रिया की क्या बात है? मगर बेटा तुम्हें डर नहीं लगा क्या? आंटी आप खुद बताएं, डरना क्या अच्छी बात है? नहीं नहीं, मेरा मतलब है बेटा तुम में इतनी ताकत कैसे आ गई? अम्मी यही तो मैं भी पूछ रहा था इससे, मगर इसने बताया ही नहीं। अरे हाँ हाँ अभी बताती हूँ, पहले ये दूध तो दे दो अम्मी को। ओह अम्मी ये ले दूध। ओहो अरे जैन बेटा, ये डब्बे वाला दूध क्यों ले आए? आंटी इसलिए कि यही महफूज और खालिस दूध है। पर बेटा। आंटी यही तो है मेरी ताकत और तंदुरुस्ती का राज। पर बेटा ये दूध डब्बे में कैसे महफूज रह सकता है? खैर मैं बताती हूँ। ये देखिए टेट्रा पैक की 6 तहों वाली स्पेशल पैकेजिंग, जो दूध को रखती है रोशनी हवा और जरासीम से बचाकर अच्छी तरह महफूज। यानी टेट्रा पैक पैकेजिंग में वही दूध और क्या? ये लो बच्चों। थैंक यू। अरे तुम कौन हो? मैं हूँ मोमू। मोमू? अरे रे डरो नहीं, ये दोस्त है हमारी। मोमू मैं हूँ मोमू, मोमू मेरा नाम है, दोस्ती मेरा काम है, सबको ताकतवर बनाओ, सुस्ती तुम्हारी यू भगाओ, टेट्रा पैक में महफूज दूध का आओ तुम्हें मैं राज बताऊं। और से सुनूं कि हमारा दुश्मन कौन है? खड़ूस हमारा दुश्मन, जिसका खुला दूध है सरमाया, इसने अग्गे पव्वे खड़ू को उसने हिलाया, मुश्किल सही नामुमकिन नहीं, जो जाल खड़ूस ने बिछाया, चेले इसके जादू ने दूध को खूब बचाया। इस मिशन में तुम्हारे मुहाफिज है 4, जो है ताकत से भरपूर और हर मुश्किल के लिए तैयार। कैल्शियम, विटामिन, फैट, प्रोटीन, जिनकी ताकत से बनी हमारी टीम।
बनाएंगे नाकायदा खरोस की हर स्कीम। क्या कहते हो जैन, करोगे ज्वाइन हमारी टीम? यस, मैं भी बनूंगा मिल्कटियर। जबरदस्त। वाओ, मुझ में इतना कॉन्फिडेंस और इतनी ताकत। अब तुम मिल्कटियर बन चुके हो। यस, अब मैं खड़ूस को नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं, हम। कौन? हाँ, हम रोकेंगे उसे मिलावट वाला और गैर महफूज दूध सप्लाई करने से। हम अब और बच्चों को जहनी और जिस्मानी तौर पर कमजोर नहीं होने देंगे। यस, पूरे मुल्क में टेट्रा पैक पैकेजिंग में महफूज सेहतमंद दूध का पैगाम आम करेंगे। यही है हमारा मिशन। स्पेशल पैकेजिंग दूध को रखती है जरा से बचाकर। एक दस मोमो ने मुझे पागल करके रख दिया है। और जब देखो टेलीविजन पे हमारे खिलाफ मीटिंग करती फिर रही है। ओ प्यार छोटी, मेरे तो दिल करता है टीवी तोड़ के रख दी। ऊपर क्या करूं, तोड़ भी तो नहीं सकता। ये खालिस बेईमानी का बड़ा महंगा टीवी है। वेल डन फिजा, जैन की अम्मी को भी ये बात मालूम हो गई है कि टेट्रा पैक पैकेजिंग में महफूज और सेहतमंद दूध पीना जैन के लिए कितना जरूरी है। तुमने बिल्कुल सही कहा मोमो, मगर अभी हमारा मिशन खत्म नहीं हुआ है। हमें खड़ूस को खराब दूध सप्लाई करने से रोकना होगा। देखो फिजा, खड़ूस से जंग जीतने के लिए हमें शायद मुक्कों और लातों का भी इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये है कि हम अपनी अकल का इस्तेमाल करें। सही कह रहे हो, मेरे जहन में एक आइडिया है। खड़ूस का चेला दूध लेकर इस जगह से निकलता है, हम यहाँ पर उसका इंतजार करेंगे। मगर वो किस लिए? और हम उसे इस पॉइंट पर रोक सकते हैं। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक। तो हो जाए। साल के साल, मगर ये जो मक्खियाँ हैं ना, इनका मुझे नहीं पता कि ये नाती भी है कि नहीं।
इनको तो मैंने बस दूध के कनस्तर में डुबकियां लगाते हुए देखा है। दूध में मक्खियों वाला दूध पिया था। ऐसी कोई बात नहीं है, दूध तो इसके मुंह से निकल गया, दांतों के बीच में खिड़की बनी हुई है ना, लस गलत निकल जाते हैं। चल दिखा, देखा हट कमबख्त मारा। क्या देख रहा पप्पू है ना हीरो बाइक? अरे हीरो तो पप्पा भी है मगर जरा पॉकेट साइज। अब देखना दादी हीरो बनाएंगी इसे। ये ले छुटकी दादी। हाय नहीं तेरा सत्यानाश, ये खाली बर्तन क्यों दे रहा है? ये दूध का चला गया। अरे बुढ़िया से मस्करी करता है। अगर एक दफा भी और मारना तो मैं बेहोश हो जाऊंगा ईमान से। बुढ़िया से मस्करी करता है। खामोशी से लगा लगा जोर लगा थोड़ा और जोर लगा शाबाश और जान लगा। अरे यार तो वे तू तो हीरो की तरह खड़े रहता है, सारा काम तो मैं ही कर रहा हूँ। ठीक है मैं खड़े क्यों कर रहा है, उठा रहा हूँ। एक तो तेरी वजह से मैं ही काम कर रहा हूँ, वरना तो तुझे पता है कि मैं तो हीरो हूँ हीरो। कौन है? म्याऊ बिल्ली हूँ। अच्छा बिल्ली हो फिर ठीक है। जरा ये क्या लगा रखा है? ओए काम चोर, ओए काम पे अपना ध्यान दिया करो। तुम दिन दाड़े खराटे ले रहे हो, सप्लाई पे निकलो। खबर दादी तुम लोगों ने ये दूध पिया समझे? अगर ये दूध पी के तुम तो कुछ हो गया तो ये सारे काम कौन करेगा? खुद ही करोगे। भाई क्या बोला? नहीं कुछ नहीं। भाई मेरे ही खाते हो और मुझ पे ही गुर्राते हो। क्या छुप रहे हो? ओए ओए कौन हो तुम दोनों? मैं हूँ मिल्काटियर और मैं भी हूँ मिल्काटियर। ओए तुम जो भी हो इधर क्या जासूसियाँ कर रहे हो? बात सुनो खड़ूस, तुमने कई बच्चों को बीमार और कमजोर बनाया है। ये बच्चे कौम का मुस्तकबिल होते हैं और तुमने खराब दूध पिलाकर कौम के मुस्तकबिल से खेला है। हमने इस कैमरे में तुम्हारी सब बातें रिकॉर्ड कर ली हैं। जो कुछ भी तुम्हारे ये चमचे गड़बड़ कर रहे थे ना। लो भाई इनको भी पता चल गया कि हम तीनों चमचे हैं। हाँ और इसका मतलब समझते हो? यानी तुम सब बहुत जल्द जेल के अंदर होगे, समझे? हाँ भाई हम तो समझे मगर बच्चे तुम नहीं समझे। जेल के अंदर तो मैं उस वक्त होऊंगा ना जब तुम इस जगह से बाहर निकलोगे। देख क्या रहे चीनवन से कैमरा है। मुझे लाते क्यों मार रहा है? तुम पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? अरे ये क्या? नहीं नहीं ये बीमारी है, ये बीमारी है। ओए मेरा तो सारी चक्र आ गया। भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। कैमरा संभालो। ये लो कैमरा पकड़। क्रिकेट खेलने आए कैमरा पकड़ जाके। दादा दबा दिए। तुमसे कोई काम नहीं होता है, अब मुझे कुछ करना होगा। कबड्डी के बच्चे कैमरे के पीछे भागे। मैंने कैच कर लिया कैमरे को, मैंने कैच कर लिया। लो मुझे
मुझे दो। ये लो मैंने पास दे दिया। वही तूने किसको पास दे दिया? हमारी कुट हमारे बर्तनों से अब उस्ताद की बारी है। नहीं नहीं भाई, ओए भाई कोई नरम चीज दो, उसमें बहुत कांटे हैं। छोड़ूंगा नहीं तुमका। बच्चे तुम कदम ऐसा सबक सिखाऊंगा। और मारो। अरे वाह क्या जबरदस्त वीडियो बन रही है। मुंह पे मारो। क्या कर रहा है? ओए चला भी नहीं जा रहा। भागो उधर से। गलती में अपनी टांग काट लिया। भाई निकलो इधर से, जल्दी करो। अरे कहाँ भाग रहे हो? गाली नहीं दोगे? अरे भागने तो जैन, कहाँ तक भागेंगे? सबूत तो अब हमारे पास है। यस। हमें खुशी है कि आज हमारे दरमियान मौजूद हैं खड़ूस को उसके अंजाम तक पहुंचाने वाले हीरोज और मिल्क एम्बेसडर, जो आपको दूध की अफादियत के बारे में बताएंगे। सो प्लीज वेलकम मिल्केटियर। अरे ये तो हमारे स्कूल के बच्चे हैं। अरे वाह। हाय फिजा। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मिल्केटियर फिजा। और दोस्तों मैं हूँ मिल्केटियर जैन। आज हम आपको बताएंगे कि दूध पीना हम सबके लिए कितना जरूरी है। जी फ्रेंड्स, रोजाना 2 ग्लास, लेकिन सिर्फ टेट्रा पैक पैकेजिंग में महफूज दूध। मगर दूध तो सब एक ही जैसे होते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं। देखें, दूध सिर्फ टेट्रा पैक पैकेजिंग में जरासीम और आलूदगी से महफूज रहता है, और इसीलिए हमें भरपूर तवनाई देता है। चलो भाई शापे, तो तुम बोतल से नहीं टब्बे से दूध पीना। Pakistan!
की टाई तोड़ दी, अब मैं फिल्म में क्या लंगर दीन का रोल करूँगा। सर जी, इन बच्चों ने हमें तबाह कर दिया। वो जो इन्होंने करना था ना वो कर लिया, लेकिन अब जो मैं इनके साथ करूँगा इसके बाद इनके होश ठिकाने आ जाएंगे। ताली दे आए। सर जी, ताली कैसे दे? आपने अपनी प्लानिंग तो बताई नहीं। ओए, हमारी प्लानिंग जानने के लिए हमारी साजिश की अगली किस्त का इंतजार करो बच्चे। ₹20 में? अरे कमाल की बात करी तुमने, पहले ही तकरीबन फ्री दे रही हूँ तुम्हें सब्जी। अरे फ्री तो तू अपनी सगी दादी को ना दे, मुझे क्या दे? अरे कमाल की बात करी तुमने। अरे कबखत मारे। अरे पकाओ जान पकाओ। अरे आगे ले आगे। अरे कटिंग करो कटिंग। अरे सीधा नहीं गली में ले। ये पर्स वापस करो। अरे ये कौन है? हम हैं मिल्केटियर। Milkateer, Milkateer, take the bag. Milkateer, Milkateer. अरे ये तो वही बच्ची। अरे इस बार नहीं छोड़ूंगा मैं इनको। अरे इंसान रोकिते। हेलो। अरे कहाँ भाग रहे हो? अरे अभी घंटी होने का टाइम है, कितने चले हो शहजादे? नाजी किधर भी है वो, इसको भी डालो वैन के अंदर। लेडीज लोग का सामने बेइज्जती नहीं करो, तो मैं ही मरूं। सुबह शाम दूध पीना है, रेस में हिस्सा लेने का प्रोग्राम बना रहे हो क्या? रेस में तो भागना पड़ता है और कछुए तो भाग ही नहीं सकते। जाहिद और शकील, ठीक है चले नेक्स्ट। अभी का नाम बताएं। दीशान। टीम मेंबर्स का नाम बताएं। कामरान और सलमान। चले ठीक है, आप आए बेटे। अभी का आपका नाम? जी शौकत। अच्छा, और टीम मेंबर्स का नाम बताएं। टीम तो नहीं है बेटा, ये रिले रेसेस में 3 बच्चे चाहिए होते हैं। अच्छा चले साइड में हो जाए, दूसरों को आने दे, ठीक है चले नेक्स्ट। बेटा नेक्स्ट का मतलब नहीं समझते आप। कछुए को देखो, रेस में दौड़ने आया था। सर हम हैं शौकत की टीम में। क्यों शौकत? हाँ हाँ सर, यही है मेरी टीम। अरे शौकत क्यों भागा जा रहा है, बैठ जा। दादाजी भागूंगा नहीं तो रेस कैसे जीतूंगा? कौन सी रेस बेटा? अम्मी मैंने स्कूल रेसिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया है। अच्छा चलो इसी बात पे ये गर्मा गर्म दूध पी लो। लो शाबाश। अम्मी नहीं, ये वाला दूध मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लो शुरू हो गए नखरे। अरे बेटा क्या कह रहे हो,
तुम्हारे लिए मैंने इसको इतनी देर तक उबाला है, फिर इसमें खुशबू के लिए इलायची भी डाली है। चलो बेटा पी लो। मुझे बस टेट्रा पैक पैकेजिंग में महफूज दूध पीना है। आए, क्यों? दादाजी महफूज दूध ही हमें भरपूर तवानाई देता है। अरे ये कौन तुम्हें उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहा है? ये मुझे मिल्कटियर ने समझाया है। अरे तो समझना समझाना है वो हमसे पूछा करो भाई, पता नहीं किस किस से पूछ लेते हो और कहाँ तुम्हें मिल भी जाते हैं। दादाजी वो हमारे स्कूल में पढ़ते हैं और रेस में मेरे टीम मेंबर्स हैं। बताओ मना किया था इसके बाप को कि मत डाल अंग्रेजी स्कूल में, यही सब फजूल खर्चे वाली बातें सीख के आएगा। अरे हमसे कोई मशवरा लेता ही नहीं है जिसको सब पता है। वैसे अब्बा हमारे पड़ोस में भी ना अब गत्ते के डब्बे में दूध आता है। अरे आता होगा भाई, बताओ यही खुला दूध पी पी के हमने जवानी में बड़े बड़े पहलवान चित कर दिए। मगर अब्बा पहले बात और थी। अरे क्या और बात थी? अब्बा देखे ना, पहले घर के साथ ही बाड़ा हुआ करता था, ताज़ा ताज़ा दूध पहुँचता था घर में। मगर अब तो हर तरफ धुआं, मिट्टी, ऊपर से मक्खियाँ उड़ती रहती हैं हर तरफ। पता नहीं हम तक पहुँचते पहुँचते कितने जरासीम मिल जाते होंगे दूध में। और अब्बा बच्चे भी शौक से नहीं पीते ये खुला दूध। अरे बहू बच्चों को क्या अकल होती है, अरे हमसे पूछो जिनके पास अकल है कि खुला दूध सस्ता भी तो पड़ता है ना। हाँ शायद आप ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि इस तरह से कुछ पैसे तो बच ही जाते हैं। अब की ना तुमने अकलमंदों वाली बात। क्या पैसे मेरी सेहत से ज्यादा कीमती हैं? हैं? इश्त? ओए आज फिर दाल आ गई है। ओ बताओ यार बड़ी बदखलाक जेल है ये तो। ओए अपना संतरी बादशाह। हाँ क्या बात है? ये खाने में कोई चिकन शिकन कुकड़ शुकड़ मेरा मतलब है मुर्गा नहीं बन सकता। मुर्गा? हाँ जी बन सकता है। तो बनवाओ ना संतरी बादशाह। अभी बना देते हैं। शाबाश। बोलो बनना है मुर्गा? नहीं रहने दो। अब चुप कर जा, मुर्गा खाएगा। क्या करूँ? चुप करके दाल खा लो वरना संतरी तुम्हें मुर्गा बनाने कोयले पे बन दे। कुछ ही देर में यहाँ रेस का आगाज हो जाएगा, जिसके लिए तमाशाइयों की कसीर तादाद मौजूद है। खिलाड़ी नहायत पुरजोश है, हर तरफ खिलाड़ी। अब्बा जान ये देखिए शौकत। अरे बहू देख लेना तुम, शौकत ही जीतेगा। क्यों भाई कछुए? उठो शौकत, परवाह मत करो इनकी। अरे पूरे जिस्म में खुजली क्यों हो रही है? लगता है इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। रहने तो सैन, हमें सबक सिखाएगा। और आज हमारी खुशकिस्मती के हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं एथलेटिक्स की दुनिया की मशहूर हस्ती बट साहब। सलमान ने जेब से केला निकाला है खाने के लिए, भूख लगी होगी। और ये देखिए सलमान ने केले का छिलका जैन की तरफ उछाल के फेंक दिया ताकि जैन स्लिप हो जाए। जैन ने बड़ी खूबसूरती से जंप लगा के अपने आप को केले के छिलके से बचाया। बट साहब बिल्कुल गलत बात की है, छिलका गज्जे के डब्बे में डालने चाहिए। दूसरी तरफ निता पहुंची अपने पार्टनर फैसल की तरफ। देखिए असल मुकाबला कामरान और फिजा के दरमियान। फिजा आप कामरान से आगे निकल गई हैं और ये देखिए कामरान ने कुछ निकाल कर जमीन पर फेंका। व्हाट्सएप क्या चीज है ये? जी वो है बट्टे बट्टे। और फिजा ने शानदार छलांग लगाकर अपने आप को बचा लिया है। पीछे आने वाले खिलाड़ी फैसल बुरी तरह फिसल कर गिरे इन कच्चों से। और इसी दौरान फिजा पहुंच गई अपने पार्टनर शौकत तक। अरे अब देखना कैसा भागेगा। शौकत ने बहुत तेजी से दौड़ना शुरू किया। जी बहुत अच्छा स्टार्ट लिया इन्होंने। ये क्या हुआ? शौकत बुरी तरह हांफ रहे हैं और ये देखिए वो रुक गए हैं। निकम्मा ये। और इस दौरान जीशान तेजी से आगे निकल गए। शौकत भागो। शौकत की टीम अब रेस तकरीबन हार चुकी है, उसके लिए जीतने का कोई चांस नहीं है। अजी अब तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे फिजा इसको टेट्रा पैक दो। शौकत कैच इट। और ये देखिए फिजा ने शौकत की तरफ टेट्रा पैक का डब्बा उछाला है।
Milkateer, Milkateer, take the bet. Milkateer. शौकत ने बहुत तेजी से दौड़ना शुरू किया है। शौकत में दोबारा जान आ गई है, वो दोबारा तेजी से दौड़ना शुरू हो गए हैं। ये बिल्कुल बहुत तेज दौड़ रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि रेस जीतना मुमकिन नहीं है, बट सब क्या कहेंगे। अरे इस वाली बात नहीं होता, खामखा जान लगा रहे हैं। ईशान की कामयाबी अब यकीनी नजर आ रही है, जिसको देखते हुए उनकी हिमायत में जबरदस्त जोश और खरोंच। अरे शौकत, तुमने तो आज कमाल कर दिया, क्या भागे हो तुम शेर की तरह। अरे का दादा भी तो बब्बर शेर है। दादाजी यही है टेट्रापैक पैकेजिंग में महफूज दूध की ताकत। अरे हम तो खुद कह रहे हैं सबसे के यही टेट्रापैक दूध पियो। दादाजी टेट्रापैक कोई दूध नहीं है, बल्कि ये तो खास पैकेजिंग है जो दूध की भरपूर एनर्जी और असल गजाइत को रखती है जरासीम से बचाकर अच्छी तरह से महफूज। अरे भाई बहू देखो, अब तुम जिद छोड़ो और यही दूध मंगाओ। मगर अब्बा, अरे सेहत के मामले में कंजूसी मत करो। हम तो इस जेल में किस्मत के खेल में मर गए मर गए मर गए मर गए। वो जो मदद को आने वाले थे वो किधर गए? कब आएगा बोलो, कब आएगा दसो, कब आएगा वो, कब आएगा? तुम कहते थे कोई आएगा, तुम कहते थे कोई आएगा, हम तो यहाँ से ले जाएगा, कब आएगा? ओए आ रहे जवान का बच्चा। जवान का बच्चा उस्ताद में तो बहुत छोटा होगा। कल जाएगी जब ये घबरू जवानी, शायद वो तब आएगा, कब आएगा? आएगा बहुत जल्द आएगा, हमको यहाँ से छुड़ाने जाएगा। उस्ताद जी जरा धीरे कहो, किसी ने सुन लिया तो होगी कुटस पड़ी। तुम्हें कोई शिकर चलिए तो बात तो चेयर। अब मुंह पे मजाक उड़ाओगे मेरा? गरम तुम्हारा निकल गया है, दर्द अभी तक बाकी है। मिल्केटियर ने तुमको अपनी उस्तादी दिखला दी है। देखना जब वो आएगा, मुंह सबका बंद हो जाएगा। मुंह से पहले आंख बंद हो जाएगी सबकी। सड़ जाएगी जेल में जिंदगानी, जाने वो कब आएगा, कब आएगा? नहीं आएगा। ओ, लगता है दिमाग खराब हो गया। क्या शोर लगा रखा है? कुछ नहीं संतरी बादशाह, वो खांसी आ गई थी। क्या डर गए डर गए? कोई और बात नहीं कर सकते? कब आएगा बोलो, कब आएगा दसो, कब आएगा वो, कब आएगा? आने में टाइम लगता है, समझा करो। आएगा कोई समझते रहो जी, फिर भी मैं पूछूंगा कुछ तो कहो जी, कब आएगा, कब आएगा? हम तो इस जेल में किस्मत के खेल में मर गए मर गए मर गए मर गए। ओए ये किधर भाग रहे हैं? लगता है जलजला आ गया। ओए आ गया वो शाकार, आ गया जिसका इंतजार था। ये वही है जिसको मैंने बुलवाया था, खरदूस। जैन जो कभी सुस्त और काहिल हुआ करता था, देखते ही देखते टेट्रा पैक पैकेजिंग में महफूज दूध की बदौलत बन गया मिल्केटियर, और उसे मिल्केटियर बनाया फिजा ने।
जो खुद भी थी एक मिल्केटियर, और फिर इन दोनों ने अपनी इस ताकत को इस्तेमाल किया खड़ूस के खिलाफ, जो अपने चेलों, अधे, पव्वे और घपलू के साथ मिलकर नाकस और गैर मियारी दूध के जरिए खुद पैसे कमाने और लोगों को बीमार करने के मंसूबे पर अमल कर रहा था। लेकिन इनकी साजिश का रास्ता रोका मिल्केटियर ने। खड़ूस और उसके चेलों और मिल्केटियर के दरमियान कई बार जंग हुई और आखिरकार मिल्केटियर की बहादुरी की वजह से खड़ूस और उसके चेलों को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। सब लोगों का ख्याल था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन फिर अचानक खड़ूस के एक बहुत ही खतरनाक साथी खरतूस की मदद से वो सब के सब जेल से फरार होने में कामयाब हो गए और अब उनका मंसूबा पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। बताओ ना उस दिन क्या हुआ था। पांच खतरनाक गुंडे और फिजा बिचारी अकेली थर थर कांप रही थी। क्या मैं कांप रही थी? आपका भाई चीते की राज छटा दूर देश देखा और पांच सेकंड में पांचों गुंडे चित। और क्या? अभी बताती हूँ उसको। ओए ये फिजा कहाँ से आ गई? कहीं इसने मेरी बातें सुन तो नहीं ली? शेख चिल्ली इधर आओ। दोस्तों ये सिर्फ शो मार रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। असल में मैं इनको ये बता रहा था। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मोमो आइए कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन लेके। मोमो आगे जैन। सुनो एक खतरनाक खबर ये है कि खरूस और उसके साथी जेल से फरार हो गए हैं। ओह नो, अब हमें बहुत ज्यादा होशियार रहना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि वो यकीनन कोई ना कोई नई चाल जरूर चलेंगे। यानी उनसे एक बार मुकाबला और होगा तो हो जाए। एक बात सब कान खोल के सुन लो, यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा, बल्कि बाहर जागने की भी कोई कोशिश नहीं करेगा। उस्ताद अगर हमने यहाँ पे बंदी रहना था तो हम जेल से निकले क्यों थे? बात सुनो कान वाले तरबूज, तुम वहाँ से निकले नहीं थे, मैं निकाल के लाया हूँ। वो ठीक है लेकिन हम तो जेल से इंतकाम किया। कौन सा इंतकाम भाई? बच्चों से इंतकाम। यार तुम्हारे बस का काम नहीं है, वो उन बच्चों से कितनी मार खा चुके सब मालूम है मुझे। वो ठीक है। क्या ठीक है? इतनी दफा पिट के भी तुम्हारे लिए सब ठीक है? नहीं बहुत नहीं, एक आध बार हल्के से पिटे, बस हमको ये पता करना है। तुम तब तक ये पता नहीं चला था कि उनकी ताकत का राज क्या है? ये भी पता करना है। सब पता कर लिया मैंने। अच्छा तोड़ भी निकाल लो मैं। क्या तोड़ निकाला? तो अपने टाइम पे बताऊंगा मैं, अभी सिर्फ ये समझ लो कि यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा कम अज कम दो महीने तक। दो महीने? बहस नहीं चाहिए, जो कहना था कह दिया। मैं तो जरूर जाऊंगा, भेस बदल के छप्पड़ में निकल जाऊंगा। समझ में नहीं आता आखिर करूं क्या, पढ़ाई खेल कूद खाने पीने हर चीज में ही सबसे पीछे। अरे बहन तुम परेशान मत हो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मगर कैसे ठीक होगा? अरे तुम्हें याद नहीं है पहले शौकत भी बिल्कुल ऐसे ही था, लेकिन अब देखो। लेकिन ये हुआ कैसे भाई? असल में हुआ ही। अरे भाई ये क्या बताएंगे हम, तो सुनो भाई हुआ ही है कि ये हमारी बहू पैसे बचाने के या कंजूसी के चक्कर में खुला दूध ले आती थी और हमने गौर किया कि ये सारी गड़बड़ खुले दूध से हो रही है। हमने कहा नहीं बस अब इस घर में टेट्रा पैक पैकेजिंग में महफूज दूध ही आएगा। मगर फायदा क्या है इस दूध का? अरे भाई छह तहों वाली महफूज पैकेजिंग की वजह से दूध की गजाइत भी महफूज रहती है और ये जरासीम से भी महफूज रहता है। सबूत चाहिए तो चौकट को देखो। हाँ वो तो वाकई बहुत तेज हो गया है। वैसे ये जो छह तहों वाली महफूज पैकेजिंग का आइडिया है ना, ये बचपने से हमारे दिमाग में था। अब हमारी बहू कहेंगी कि अब्बा आपने पहले तो नहीं बताया। अरे भाई हमारी आदत नहीं है शोबाजी वगैरह करने की। हाँ ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यकीन ही नहीं आता कि ये वही शौकत है। कितना तेज और एक्टिव हो गया है। मगर कुछ भी हो इससे बदला तो हम जरूर लेंगे। आओ चलो। तो, अरे ये तो किसी तरह काबू में ही नहीं आ रहा। हम एक साथ पढ़ते हैं और जब एक साथ पढ़ते हैं तो हम एक दूसरे के दोस्त हुए ना, तो दोस्तों को कभी धक्का देकर गिराते नहीं हैं, बल्कि कोई दोस्त गिर जाए तो उसे उठाते हैं। चलो शाबाश हाथ दो अपना। ओ
यार हम तो यहाँ पे कैदी की तरह पड़े हुए और उस्ताद खुद घूमने निकल जाता है। वही शिकर गलत चला जाता है, यहाँ पे होता ना तो सिर्फ दो ही काम करता है, यहाँ हमें डांटता रहता है कि हम कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर चिक चिक करता है, बस डांटता है चिक चिक करता है, डांटता है चिक चिक करता है। बताओ यार, घर से हीरो बनने निकला था मैं और डरा हुआ चूहा बन के रह गया। डरे डरे समय समय डरे डरे समय ऐसे कोने में छुपे हैं जैसे दिल में छुपा कोई चूहा। लगता नहीं लगता नहीं लगता नहीं लगता नहीं लगता किसी काम में दिल मेरा नहीं लगता। चिक 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 ताड़ा चिक ताड़ा चिक ताड़ा चिक 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 ताड़ा चिक ताड़ा। दिल चाहे रटके घूमना दिल चाहे रटके सोना 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 ओए दिल चाहे सोना। ओए अब और कितना सोना है? ओ जाहिलिये वाला सोना नहीं, गोल्ड। दिल चाहे रटके घूमना दिल चाहे रटके सोना। दिल चाहे लाए मस्त मस्त उस्ताद हो जिसमें कोई ना। दिल चाहे लाए मस्त मस्त दिल चाहे लाए मस्त उस्ताद हो जिसमें कोई ना। कोई ना भाई कोई ना भाई कोई ना भाई कोई ना। तुमने जरूर करनी अपनी चिक 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 ताड़ा चिक ताड़ा चिक ताड़ा चिक 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 ताड़ा चिक ताड़ा। नहीं लगता नहीं लगता किसी काम में दिल मेरा नहीं लगता। पहली ही फिल्म में सबको पागल कर दिया, सारे हीरो को घर बिठा दिया। बच्चन जो खुद बैठा लगता हो वो पिता हीरो बन नहीं सकता। नहीं लगता नहीं लगता नहीं लगता नहीं लगता किसी हिसाब से तू हीरो नहीं लगता। ये उस्ताद तो चैन से ख्वाब भी नहीं देखने देता। आज काला चश्मा पाया अपनी पर में। अरे फिजा क्या हुआ? वो देखो कहाँ? अरे इधर सामने। अरे ये तो वही है खड़ूस का चेला। हाँ हाँ बस होलिया बदला है। अरे जैन मुझे मोमो ने बताया था कि इसको अदाकारी का बहुत शौक है। अरे तो हमें क्या उससे? सुनो अगर हम उसे अदाकारी का चांस दिलाने का झांसा दें तो फिर हम उससे सब कुछ उगलवा सकते हैं। मगर ये काम हम कैसे करेंगे? क्यों? अरे ये तो हमें पहचानता है। ओ हाँ तो फिर इस काम के लिए निदा और शौकत से हेल्प लेते। गुड, वो तो पीछे ही आ रहे हैं। आओ उनको समझाते। समझ गए ना सारी प्लानिंग? हाँ समझ गए। ठीक है जाओ कॉन्फिडेंस से। ठीक है उस्ताद फुल टाइट कुल्फी देना। भाई साहब जी आप क्या टीवी ड्रामों में आते हैं? नहीं भाई मेरा तो फोटो भी नहीं आया टीवी पे कभी। तो आप फिल्मों में तो काम नहीं करते? नहीं जी मेरी ऐसी किस्मत कहाँ है। वही मैं सोच रहा हूँ कि मेरे अबू तो खुद फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर हैं। टीवी फिल्म के सारे अदाकार आते रहते हैं मेरे घर, तो मैंने आपको क्यों नहीं देखा घर पे? तो आप अदाकार नहीं है? कमाल है, मैं तो अभी आपसे ऑटोग्राफ लेने वाली थी। हैं? वैसे मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है, मुझे चांस दिलवा दें। चांस? अरे आप तो बने बनाए हीरो हैं। बना बनाया। अच्छा पासपोर्ट बनाया? पासपोर्ट क्यों भाई, अब तो सारी शूटिंग पाकिस्तान से बाहर ही होती है ना। तो मेरा चांस पक्का है क्या? हाँ हाँ समझे आपका काम हो गया। अच्छा एक काम करें अपना एड्रेस तो बताए। हाँ जी वो चौक के बाद घनी लैब गद्दे वाला है ना, उसके आगे इलियास पंचर वाले की दुकान है। ये जो बच्चे ना बच्चे। कौन से बच्चे? अरे वही जो आए दिन तुम्हारे ठुआई लगाते हैं। अच्छा अच्छा वो बच्चे। हाँ मैंने पता कर लिया कि इनकी ताकत का असल राज जो है ना। हाँ जी ये टेट्रा पैक पैकिंग में महफूज दूध है। इस टेट्रा पैक की ताकत को खत्म करने के लिए मैंने बड़ी रिसर्च के बाद एक नया जरसूमा ईजाद किया है जिसका नाम है जिरांडोमाइसिन। जिरांडोमाइसिन? बाबा पर नाम से पता चल रहा है ये बच्चा कितना होनहार होगा। ये जरसूमा अगर दूध में शामिल हो गया तो ये देखते ही देखते लाखों में तब्दील हो जाएगा और इस दूध की ताकत को बिल्कुल खत्म कर देगा। वाह जी वाह, आज इस जिरांडोमाइसिन की वजह से साबित हो गया है कि नाम का शख्सियत पे बहुत असर होता है। और क्यों भाई ये पड़ा पौए होते है क्या? नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब सब रेडी है तो काम शुरू कर दे। ये काम इतना आसान नहीं है, इसे बात तो समझ के करना पड़ेगा। हाँ अगर कब करेंगे? कब कहाँ और कैसे ये मैं टाइम आने पे बताऊंगा। तो ये लोग टेट्रा पैक को नुकसान पहुंचाने का मंसूबा बना रहे हैं। मोमो अगर इनका मंसूबा कामयाब हो गया तो ये तो बहुत बुरा होगा। फिकर मत करो, दरअसल इन लोगों को टेट्रा पैक की असली ताकत का अंदाजा ही नहीं है। ओके ओके सीन ये है कि आप विलन की कैद में और आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं। ठीक है। विलन का हंटर पढ़ते ही आप हंसते हुए कहते हैं क्या? नवा आए सोने और जोर लगा बच्चे। ठीक है ठीक है समझ गए। ओके एक्शन। मसला ही कोई नहीं है।
अम्मी क्या कर रहे हैं? अम्मी जी याद आ गई ना। अरे अपनी लाइनें याद रखे, अम्मी याद आ गई, चेक करेंगे और अब की बार अम्मी नहीं करना। ठीक है, एक्शन। आज तो मानना लगता है नवा आया सोनिया जबी इतनी जोर से मार रहा है बच्चे को। अरे क्या बोल रहे हैं आप? ईमान से बहुत जोर से मार रहे हैं। अरे भाई तो वो बजे में वो तो जोर से ही मारेगा, आप अपनी लाइनें तो सही बोले। एक्शन। जान लेगा क्या? नवा आया सोनिया थोड़ा और जोर लगा। कट कट। क्या हुआ? यही तो बोलना था। अरे मगर इस तरह रो के नहीं बोलना था, हंस के बोलना था, हंस के चले। नवा आया सोनिया थोड़ा और जोर लगा भैया। अरे ये क्या कह रहे हैं? क्या हुआ? आपने तो गाया हंस के बोलो। अरे इतने कोई लतीफा थोड़ी सुना है जो इस तरह हंस रहे हैं आप। एक्शन। एक मिनट अब क्या हुआ? वो देखे हंटर तो खा लिया ना मैंने, अब उसके आगे से सीन चलाते हैं ना। अरे नहीं भाई इस तरह नहीं होता, रियलिटी नहीं आती सीन में, आप अपनी लाइनें तो सही बोले। गलत जगह आ गया, चले एक्शन। खाली लग जाएगी। नवा आया सोनिया है तो फिर एक काम कर ले भाई, तो हीरो का रोल कर ले, मैं विलन का रोल कर लेता हूँ। उस्ताद सालन मंगा रहे। अबे टेप लगाओ इसके मुंह पे। उस्ताद कौन सी फिल्म चल रही है? माय नेम इज चिरांद। ये मजाक का वक्त नहीं है, सीरियस बात हो रही है। ये देखो बाड़ों से दूध जमा करके इस कथिम के स्पेशल कंटेनर्स के जरिए फैक्ट्री पहुंचाया जाता है। इन कंटेनर्स में टेम्परेचर को कंट्रोल करने का निजाम होता है। फैक्ट्री पहुंचने के बाद इसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है और फिर इसको बड़े कंटेनर में ट्रांसफर कर देते हैं। यहीं पे काम दिखाएगा हमारा चिरांदोमाई सीन। बेवकूफ, यहाँ पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस दूध को ठंडा रखा जाता है, यहाँ पे जरासीम फैल नहीं सकते। उस्ताद क्या स्वेटर शोटर पहन के भी नहीं जा सकता? अरे जरसूमा बहुत छोटा होता है, इतना छोटा स्वेटर कहाँ से लाएगा? जायलो वाली बात कोई नहीं करेगा। अब आगे खोल के देखो, ये पूरे का पूरा ऑटोमेटिक प्लांट है और इसमें जगह जगह पे क्वालिटी कंट्रोल के चेक पॉइंट्स हैं। सुना दूध में केमिकल भी तुम लाते हैं? वही डाल देते हैं चिरांद। बेवकूफ, कोई भी केमिकल नहीं मिलाया जाता, यहाँ से दूध पाइपों के जरिए जगह पहुँचता है। यहाँ UHT ट्रीटमेंट के बाद ऑटोमेटिक तरीके से टेट्रा पैक के डब्बों में दूध पैक हो जाता है। समझ गया, इधर से सीन शुरू होगा अपने चिरांदोमाई सीन का। है जी। बेवकूफ, ये UHT है, UHT इसका मतलब है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। यहाँ पे जरसूमा डाल भी दिए ना तो 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। लो भाई ऐसे चिरांदो मशीन का फायदा क्या है जिसका कहीं कोई सीन ही नहीं बन रहा? ये फ्लॉप है। कोई फ्लॉप नहीं हुआ ये जरसूमा। ये देखो, ये है हमारा टारगेट, ये है आखिरी मरला, ये है वो गोडाउन। यहाँ पैकिंग के बाद सारे डब्बे रखे जाते हैं। यहाँ काम दिखाएगा हमारा चिरांदो मशीन। अच्छा, ये तो वाला हीरो निकला जो फिल्म के आखिरी सीन में आता है। हाँ, और सारा मेला लूट के ले जाता है। उस्ताद हम मेले में डाका भी डालेंगे। अरे कहाँ से पकड़ के लाओ कान वाले तरबूज को? मेले में मिला था, मेले में। इनके बस का नहीं लग रहा, ये खाता के कुप्पा हो गए, इनसे कुछ नहीं होगा, डब्बे पे तो चढ़ा नहीं जा रहा इनसे। ओए तुम भी ना बस हथेली पे सर सुजवाने के चक्कर में रहते हो, ओए थोड़ा इंतजार करो। उस्ताद कितना इंतजार करें, पूरे 1.5 घंटे से जरसूमा डालने के लिए कोशिश किए जा रहे हैं पर हुआ। ओए थोड़ा सब्र करो और अपना मुंह बंद रखो। उस्ताद मैं तो कहता हूँ जरसूमा ही फ्लॉप है। ओए बात सुनो, हर बड़ा काम करने में टाइम लगता है, टाइम। हाँ मगर बुरा टाइम आने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता, मुझे तो लग रहा है आने वाला है। रुक जाओ तुम सब। बड़ी काली जबान है मेरी। ये तो वही बच्चे हैं। ये बच्चे नहीं है, बुरा टाइम है। देख क्या रहे हो, फिटने के लिए तैयार नहीं हो क्या? अपना गपलू अते पवे बेटा, आगे बढ़ो, बिस्मिल्लाह करो। उस्ताद आप नहीं आएंगे साथ? नहीं नहीं मैं भी आ रहा हूँ, तुम लोग शुरू तो करो। पहले तुम फिट लो, बाद में वो फिट लेंगे। ये
Milkateer, Milkateer, take the bag. Milkateer, Milkateer. Hey, maru ine. Come on. भाई आज कोई नहीं बचेगा। अब बचना। स्टार पकड़ लिया। ऐसी पटखनी तो लोग चक्कर खाने गिरेगा। उस्ताद काबू कर लिया है, जल्दी से टांगे तोड़ दो। तुम क्या समझते थे तुम अपनी साजिश में कामयाब हो जाओगे? टेट्रा पैक की 6 लेयर वाली पैकेजिंग में हवा और रोशनी दाखिल नहीं हो सकते, तो जरासीम के घुसने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तक वैसे सवाल तो हमारे बचने का भी पैदा नहीं होता। भाग गए।